समान ध्वनि वाले शब्द, यानी कि समान ध्वनि वाले शब्द कौन होते हैं और क्या हैं, इनको हम कैसे जानेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे समान ध्वनि वाले शब्द और इनके बारे में। समान ध्वनि वाले शब्द ऐसे होते हैं कि जैसे हम आपको उदाहरण से बताएं कि अवलंब और अविलंब, यानी बिल्कुल आवाज़ में समान लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। तो पहला शब्द है हमारा अवलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। तो अविलंब जो होता है इसका अर्थ होता है आपका शीघ्र। दूसरा शब्द है अणु। अणु का अर्थ होता है सूक्ष्म कण तथा अणु का अर्थ होता है पीछे। इसी प्रकार है अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। इसी प्रकार है आगम और अगम। आगम माने उत्पत्ति और अगम माने दुर्लभ। अंबुज माने कमल होता है और अम्बुद माने जल देने वाला बादल। अवधि माने होता है काल या समय और अवधि माने होता है अवध देश की भाषा। अभिनय माने होता है नाटक और अभिनय माने होता है ग्रस्तता। इसी प्रकार आपका है अवरोध। अवरोध माने होता है रुकावट। अविरोध माने होता है बिना विरोध के। आदि माने प्रारंभ। आदि माने पीड़ा। आपात माने संकट और आपाद माने पैर तक। उद्धत माने उदंड और उद्धत माने तैयार। ऋत माने सत्य और ऋत माने मौसम। कोष माने होता है शब्द संग्रह और कोष माने खजाना। कटिबंध माने होता है तैयार। कटिबंध माने कमरबंध। तरण माने सूर्य। तरणी माने नौका। तरंग माने लहर और तुरंग माने घोड़ा। दाई माने देने वाला। दाई माने दासी। प्रसाद माने कृपा और प्रासाद माने महल। परिणाम माने होता है फल। परिमाण माने मात्रा। पुष्कर का मतलब तालाब और पुष्कल माने पवित्र। लक्ष्य माने लाख और लक्ष्य माने उद्देश्य। अंश माने कंधा और अंश माने भाग। अभय माने निर्भय और उभय माने दोनों। उपेक्षा माने लापरवाही। अपेक्षा माने तुलना में। तनु माने पतला। तनु माने पुत्र। तो इस प्रकार से आपके समान जो है समान ध्वनि वाले शब्द यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।